फर्रे, दाल दाल पिटिक, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत इंडियन डिश है। काम वाले फर्रे तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, उसको आप लाइक कर देना कम से कम, क्योंकि मैं बोल रहा ब्लॉग डालूंगा कि लोग इंटरेस्टेड है वो चीज देखने के लिए, है ना भाई? ये वाला नहीं थी यार, ये करिए अब बैठे बैठे करना है क्या काम, बस खाओ पियो और करो आराम। पापा जी आज मम्मा कुछ स्पेशल चीज बना रही है। अब मम्मा को ना ठीक लगेगा, कल से लो को फील कर रहे थे, कल अब किचन में घुस गए ना, अब ठीक लगेगा। और कुछ नया बना रही है ना तो उनको और अच्छा लगेगा, एक्सपेरिमेंट है ये। जोरदार चीज लग रही है ना मता, है ना पापा? आपको पता है इसके अंदर क्या है? क्या है पापा? गैस करो। गैस नहीं करना, आप खाएंगे सीधा, फिर खा के गैस करना। खा के गैस, ये सरप्राइज है। मम्मा पापा कह रहे हैं अब आपको अच्छा लग रहा होगा, अब आपने न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट किया ना, अब अच्छा लग रहा है, बना के देखते हैं ना ये क्या क्या बनता है। बकोसा, फर्रे, दाल दाल पिटिक, बहुत सारे नाम है इसके। मुझे तो फर्रे नाम बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फनी भी है। पापा जी फर्रे, फर्रे फर्रे पता क्या होता है? हाँ जी मम्मा, और क्या नाम है इसका? बकोटा, बकोसा, बकोसा। नॉर्थ इंडियन डिश है शायद। और किचन ना मुम्बा का ना वैसे डिस्ट्रेस सेंटर है। मैं मम्मा को कल पे ये कर रहा था, मैं कुछ बना रहा था, लोडो फील हो रहा था मम्मा को। आज मम्मा ने ये दाल भी बनाया है, क्या ये पर्ल्स वाली दाल? वो अच्छा पर्ल्स बने हैं। जैसे मतलब गलती से सांभर की दाल हो गई तो सांभर बन गया था, जब गलती से ये चने की दाल भी होती, मम्मा कहती कल सुबह पर्ल्स बना लूंगी, मैं ये तो मजे आ गए। कल मम्मा ने गलती से ये वाली दाल भी गो दी थी तो आज हमारे मजे आ गए, पर्ल्स खाएंगे। और ये वो फर्रे, ये ऐसे इसको बॉइलिंग वाटर में डालना होता है, कोई इसको ज्यादा हिलाना नहीं होता। एक्चुअली मैं बहुत उसको एक्साइटेड होकर हिला हिला के देख रही हूँ। चलो तुम बंद हो जाओ, पता नहीं इसकी क्या लंबी चौड़ी प्रोसेस है कोई, पर मम्मा इज डूइंग इट, आज पता चलेगा कि क्या होता है। ये क्या बना रहे हो मम्मा? गुजिया टाइप लग रही है। तो गुजिया नहीं है, फर्रे हैं। फर्रे? नॉर्थ इंडियन डिश है। एक काम वाले फर्रे? तुम लोग ना वही बात करते हो, मेरे को नहीं पता ये क्या होता है, फर्रे तो है। पापा जी भी अभी वही याद करा गए। मम्मा की स्पेशल डिश रेडी है, ये कुछ ऐसी लग रही है, इसको ऐसे मतलब लाइक टॉस भी करती है। हाँ जी, फिर कैसा लगा आपको? टेस्टी बनाया है ना, अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट है बहुत, और बहुत टेस्टी है। स्टफिंग वो दाल की है ना? हाँ, चने की दाल की स्टफिंग है, लेकिन पता नहीं चल रही। और ये वो स्टीम करके जो आटा है वो भी अच्छा लगा, बॉईल करके, क्योंकि फिर उसके बाद उसको टॉस करके और पका दिया ना। हमें स्टर फ्राई कर लिया ना। हाँ, टेस्टी मतलब बहुत टेस्टी है। नाम थोड़ा समझ नहीं आया फर्रे, बट वैसे अच्छा है। और मतलब अलग से फ्लेवर प्रोफाइल है, अच्छा है। ब्रेकफास्ट आइटम भी अच्छा, स्नैक भी अच्छा, काजू कुजू डाल के राई का चौक लगा के अच्छा लग रहा, मजे आ रहे हैं। नमकीन और नमक मिर्च वगैरह टेस्टी सा अलग सा फ्लेवर आ रहा काफी। नाइस नाइस है ना, मैं मम्मा को बताऊंगी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी है। कोई क्या चीटिंग वाली बातें हो रही है ये? भाभी ये फर्रे वही लोग खा सकते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी ना कभी चीटिंग करी हो। फर्रे उसे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस घर में एवरीवन नोस फर्रे एक्सेप्ट मम्मा। मम्मी ने मेरे को बोला कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, सब फर्रे फर्रे करे जा रहे हो। फर्रे इज डिश, मम्मा इज गुड, ओनली मम्मा के लिए फर्रे इज अ डिश, बाकी सबके लिए फर्रे कुछ और है। मम्मा ऐसा क्यों है? पॉकेट में डालो, इस पॉकेट में डालो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें बोलते हैं, कर रहे हैं ये। इन्होंने एक पिक्चर में देखा था, तब ये बच्चे ने पूछा था ये फर्रे क्या होते हैं। बट मम्मा ये डिश बहुत अच्छी है, आपने खाई? टेस्टिंग करी थी। पर अब एक्चुअल टेस्ट पता चलेगा ना पापा, चाय के साथ। ऐसे नंबर तो हो सकता है कोई मामा को चीज बनाए और टेस्टी ना बने, ऐसे कभी हो सकता है? ऐसा भी होता है, कभी बड़े छुमाए ऐसे कभी हुआ होगा? मैं तो कुछ याद नहीं है, 5,000 साल पहले कभी कुछ। सीरियस बात बोलता जो कि मजाक लगेगी लोगों को, सीरियस बात बोल रहा हूँ। जब भी मम्मा बल्कि जल्दी जल्दी में चीज बनाती है ना, ये तो नंबर था तेरे को भी, मैंने चेक कर लिया, चेक कर लेना। जब ज्यादा जल्दी बनाती है ना तो और ज्यादा टेस्ट बोलती है। हमेशा मम्मा को ये पता, आप आराम से मत बना के जल्दी बनाया करो। माँ की स्पीड बढ़ती है तो टेस्ट लेवल ऑटोमेटिक एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अरे ये टेस्टी फर्रे, और इसका दूसरा नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता। बकोसा था, मैं खुद ही भूल गई। मम्मा इसका दूसरा नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने खाया कॉफी के साथ, और गायन ने खाया ग्रीन टी के साथ, मम्मा पापा खा रहे चाय के साथ, और ये सबके साथ मेरे हिसाब से बहुत टेस्टी लग रहा है।
एक्सपोनेंशियल तारीफ होगी, एक्सपोनेंशियल मतलब यूनिक सी चीज है भाई, यूनिक ही है, समथिंग डिफरेंट, स्टीम्ड, बिल्कुल स्टीम्ड। फिर नाश्ते के आइटम में एक चीज जुड़ गई, आप सुबह खा लो शाम को जब मर्जी बना लो, तुम इतना ही बनाते रहो, असं इतना ही खाते रहिए और तुम इतना ही दिखाते रहिए जी, देखने वाले देख देख ऐसे मुंह स्वारते रहिए, मुंह में टेस्टी टेस्टी करते रहिए, और जब कभी कुकिंग पार्टी पे आ जाएगी तो वहाँ देख के फिर बना के खाइए। थैंक यू मम्मा, पार्टी कर दिया आपने आज, हाई पार्टी हो गई, पार्टी इवनिंग हाई पार्टी हो गई। द नेक्स्ट डे, हेलो कैसे हो, ऑल गुड, मोनिका कहाँ है, मोनिका अंदर है अभी आ रही है, यार बता एक्चुअली क्या है, पैर अगर थोड़ा सा भी नीचे रख रही है ना तो सूज रहा है, वो दिक्कत है, तो मतलब क्या एलिवेट करके रखने के लिए बोला है, वो ऑलमोस्ट वैसे जो पट्टी करते हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही करते हैं जैसे प्लास्टर करा हुआ, पर इसको पट्टी करिए ना, प्लास्टर थोड़ी, प्लास्टर मतलब पहले पट्टी करी थी, अच्छा प्लास्टर भी करा दे, अच्छा प्लास्टर या टाइट हो जाता है, सिक्योर हो जाता है ना, नहीं प्लास्टर तो फिर कट के ही निकलता है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ, कट के निकलेगा वो प्लास्टर है, देखा तो उतना, अच्छा यार मोनिका जल्दी ठीक हो यार, चाय पीने चलेंगे फिर, टपरी मिस कर रही है, तूने चेक किया टपरी ने बोर्ड भी चेंज कर दिया, कह रही वेलकम कर रही हूँ मैं, आप आ ही नहीं रहे हो सही में, उसने बहुत बड़ा सा ऐसे नया बोर्ड लगाया, हम अभी गए है ना, जल्दी जल्दी गेट वेल सून, ओके थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द चॉकलेट, यू आर मोस्ट वेलकम, अब बैठे बैठे करना है क्या काम, बस खाओ पियो और करो आराम, यस श्योर, डिनर अगली बारी फिर तुम ठीक हो जाओ, पहले ठीक तो हो जाओ तभी तो होगा, फिर इतनी सारी चीजें पेंडिंग है, हम चाय पी नहीं जाना था आज तो हमने, नेक्स्ट टाइम पक्का, इन दोनों को डिच करके हम बढ़िया कचौड़ी बहुत टेस्टी थी, हाँ। ये थैंक यू बोल देना अपने मामा का, बड़ी टेस्टी कचौड़ी खिलाई काफी टाइम बाद हमने, ऐसी मजेदार वाली, हाँ, ये बड़ी, चलो अब निकलते हैं, फिर हम चले खाए पियेंगे यहाँ पे, नहीं तो मना लेंगे, मंगवा लेंगे ऐसे भी, खाने की बात हुई तो फिर चार घंटे तक हम भूखे बैठे रहेंगे, टाइम लगता है भैया, अच्छी चीज में टाइम लगता है ना, थोड़ी जल्दी मैगी बना लेंगे, हाँ मैगी बना लेंगे, ओ बेस्ट मैगी खाएंगे, चल टेक केयर गुड नाइट, द नेक्स्ट डे, काफी दिनों बाद मिल लिए हैं, बहुत सालों बाद, सालों बाद बहुत सालों, घूमते फिरते रहते लोग, चाय का है हमारी है, चाय पी के, चाय पे बुलाता है तो बना के देनी होती है, हां तो ग्रुप में पकड़ाने होते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, कैजुअल है, कैजुअल है, घर पे लेके जाओ फिर बनाओ, घर पे बनाएंगे, तू बना के क्यों नहीं देगा, केटल में लेकर आता, हम टेस्ट भी करते, अबे तुम शादी तो करो, शादी तो करो इस बात में उसके साथ, शादी कब करेगा दोबारा बोलियो, शादी करके क्या करेगा, तुझे करनी चाहिए शोभित को तो करनी चाहिए, ऐसा कह रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए थी तुझे, इसकी रोटी को भेजो भाई ये व्लॉग, सोचो देखो मेन्यू भाई, बंदिया इतना टाइम नहीं लगाती पता है, तू है ना हमारी बंदी, हमने क्या, मैं तो बोल दिया भाई, अच्छा हम वेजी पाजी के साथ है तो हम वेज मोमोज चाहिए, हम बोल दे ले ले भाई तू चुपचाप, किसी की मत सुन तू, आप बड़े पाजी के साथ जाओ बोल, ये देख वेज है या पनीर है, मशरूम है, चिकन, वेज वेज तो फिर वही तो मैं बोल रहा था, एक वेज ले लो, पनीर चिकन ले लो, एक वेज ले लो, नहीं भाई नॉन, एक तंदूरी ले लो, एक ग्रेवी ले लो, इस पे आ गया, मैंने शुरू में यही बोला कि एक तंदूरी ले लो वो वेज ले लो, ये पूरा मेन्यू पड़ेगा पहले एक घंटा लगेगा, तेरा जो मैंने बोले क्या है बोलते भाई साहब, आ गया बढ़िया हमारा प्लेटर, अरे ये वाला नहीं यार, ये करिए लगाना करना, मैं ये बोल रहा हूँ कितनी हॉट है, चेक करते हैं ना, चेक करो, अरे मैं बोल रहा हूँ टेस्ट में कुछ फर्क नहीं होता, एक चाला टच कर पता चलेगा, एक चाला मेरे को ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है गरम गरम बढ़िया, चीप जलाने, चीप जलाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ओके भाई कोई बात नहीं, अगली ट्रिप में दे दियो, अगले व्लॉग में दे दियो, हाँ ठीक है ना, मैंने भल्ले और पापड़ी और दही डाल दिया,
पापा जी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं कम चावल दे सकती हूँ। पापा मेरा हाथ खुला है ना, मैं क्या करूँ बताओ। नहीं बस थोड़ा ऐसे, मम्मा भी तेरी ऐसे करते हो खुला खुला, तो कभी थोड़ा थोड़ा खाने का मन करता है बस। आज पापा कहते हैं मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं, तूने डबल क्वांटिटी दे देनी है। मैंने सिर्फ ये पता क्यों खा रहा हूँ कि ताकि छोले चावल बने हैं तो मेरी टिक लिस्ट में, यानी टू डू लिस्ट में वो तो होना चाहिए ना कि मैंने भाई छोले चावल भी खा लिए हैं, कि मन में रह ना जाए कि मैंने छोले चावल नहीं खाए। वैसे पापा ने सीरियसली जो क्वांटिटी ली है, मैं इतनी क्वांटिटी तो नहीं देती। मुझे पता था ना तभी मैं आया हूँ, बल्ले बल्ले चार था तू बना दे, ये छोले चावल तो मैं ही लूंगा बेटा, तूने इतने दे पापा ने तो बिल्कुल ही एक कटोरी आधी कटोरी उसमें छोले, तूने इसका डबल कर देना। मैं चाट बना रही थी, कैसे ऐसे से कर मैंने तेरे को पकड़ा, कैसे चाट बना रही थी। पापा ने ऐसे मतलब बिल्कुल ना आराम आराम से हल्का। और चटनी तो डाली नहीं थी, चटनी जो मेरी फेवरेट है ना, क्योंकि वो तो ज्यादा जलेगी। हाँ मुझे ये पसंद है मीठी चटनी। नम्रता आज तुम्हारे ये क्या कहते हैं डेकोरेशन स्किल टेस्टिंग पे है, देखता हूँ कितनी बढ़िया सजा रही है तू चाट। पापा मैं डॉट डॉट भी डाल देती हूँ, डॉट डॉट भी। ये बन गई है मेरी बल्ला चाट पापा फुल, और ये हो गए हैं ये छोले और चावल थोड़े से, ये बस मैं बस 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 टॉप पे रख दे थोड़ी सी। धन्यवाद भाई, बॉडी मसाला तेल लग रहा है भाई, ऐसे देते लो देखो। हेलो बस थैंक यू भैया, वो जो अच्छी है ना पैक कर देना, पंचर सेलेक्ट कर देना, गाड़ी में खाएंगे बैठ के। मुझे गाड़ी तो दिखा दो अपनी, हमने देखी नहीं लाइट में, नहीं देखी ना हमने, उम्मीदें हैं इससे रैंडम फाइंड है, देखते कैसा होगा। पर थोड़ा सा बेटर तो लग रहा बाकी से, तो अच्छी बात है। टिक्की मिर्ची आ गई, मार्केट टाइप चाट बन गई है, इसमें भल्ला पापड़ी सब कुछ है। कट सी आपकी माता श्री, बिल्कुल मम्मी पाजी ने बनाई है दही भल्ला चाट, ये बनाई तो चुटकी के लिए थी, मजे सबके हो रहे हैं ना। है? पापा एंजॉय। ओके बेटा थैंक यू। मम्मा रिलैक्स। ओ यस मम्मा तो रिलैक्स करेंगे अभी एक घंटा। हाँ जी अभी फुट मसाज हुई है मम्मा, एक घंटा लगा के वैसे अच्छी तरह जाते, मम्मा कहती नाउ इट इज ओके, इस बार लेट कराई है। हाँ, हाँ, तब रेगुलर में करा लेने चाहिए मम्मा, मसाज के बाद बोलते हैं ना दो घंटे तक आपको हिलना नहीं है। हाँ पैरों को ना थोड़ा आराम देना होता है। चलो मम्मा रेस्ट कर रही है, पापा खा रहे हैं, मैं खा चुकी हूँ, गए अपने दोस्तों के साथ घूमी घूमी गए हैं, पर अब मेरे को कुछ क्रिएटिव करने का मन है, तो मैं कुछ क्रिएटिव करूंगी। तो ये है ना स्विगी से कोस्टर्स आए थे फ्री के, तो ना मैं बोर हो रही हूँ, मैंने सोचा इनको पे पेंट कर लेती हूँ, पता नहीं क्या करूंगी क्या बनाऊंगी कैसा लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। वाह यही वही है, वही है भाई, वही है महंगी बातचीत ब्रो। हाँ, ये भाई ने है ना अब तक गाड़ी की हमारी जो है बधाइयां बहुत हम दे चुके हैं, आप भी कांग्रेचुलेशंस बोल देना शोभित को, मैं साथ में कह रहा हूँ कि इसका ना हमने डिटेल्ड कि हमने गाड़ी ली कैसी। शोभित भाई साहब इधर आइए सर, आप अर्चित आप भी आ जाइए, आप गाड़ी की हमने पूरा ना प्रोसेस बनाया है कि हमने कैसे कैसे लिए, कितनी क्या क्या चीजें देखी है, सात टेस्ट और इसकी गाड़ी निकाल ली है उसका प्रोसेस। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, उसको आप लाइक कर देना, कम से कम 50 कमेंट लाइक आ जाएंगे ना उस पर, तो फिर मैं बोल रहा हूँ ब्लॉग डालूंगा कि लोग इंटरेस्टेड है वो चीज़ देखने के लिए, है ना भाई, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत बड़ा बना है और वो काफ़ी टेक्निकल है, तो डेली व्यूअर्स वालों को ना वो जिसको गाड़ी को समझ है वही इंजॉय करेगी। तो आप देखना जिसको गाड़ियों का इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो कि एक नई चीज़ ट्राई करिए तो आप बताना हम वोट करें, ठीक है। चल आ गए आप, ये बताओ कि अकेले अकेले खाया है। गया हूँ मैं, फोन करके पूछा सबसे, लायो तीन तीन फोन करे हैं हमारे लिए, बड़ा पाव आया है। यस कोई नई जगह से खाया, हम जा रहे थे बापू गाड़ी का काम करे तो देखा तो नई जगह थी एक, तो हमने वहाँ से लिया, ट्राई करा, तुम ले आया। नाइस nice. चलो हम बताएंगे कैसा है। ये मैंने ना कोस्टर्स आए थे वो स्विगी के, तो उस पे पेंट कर दिया मैंने। अच्छा और ये अब हमारे घर के कोस्टर हो गए हैं। नहीं सही है भाई, बढ़िया। कैसे लग रहा है? यार मैं ऐसे मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा पेंट कर देते हो। चलो गुड हेलो वो टेस्ट। यस ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है, कॉर्नफ्लेक्स है ये तो, फ्राइड कॉर्नफ्लेक्स है ये, हमें भी नहीं पता उसने क्यों दिए हैं, बट है कॉर्नफ्लेक्स, प्रॉपर कॉर्नफ्लेक्स है, क्रंची क्रंची ना सेट करने के लिए, मिर्ची भी अच्छी है, आई लाइक मिर्ची। चाइल्यू की केक कैसा है? पाव भी अलग से उसने मंगवा के रखे हुए थे, ये वो हार्वेस्ट वाले वैसे वाली कंपनी वाले बन गए। सॉफ्ट है, मैं यही बनने लगी थी। ये ना आया था बंदा ठीक करने, पता नहीं दो हफ्ते चल नहीं रही थी, अब अपने आप चल गई, कुछ छेड़ा भी नहीं। ठीक है से अपने आप चल गई भाई,
इसकी हमने कंप्लेंट डाल रखी थी, अभी नहीं आया कोई, आज ही कंप्लेंट हुई है इसकी। विक्की भाई कह रहे थे फोन पे क्या हो रहा है, डर के चल गई ब्लॉक का टाइटन, डर के चली हमारी कैटल, मम्मा कैटल चल गई अपने आप, कैटल चल गई अपने आप। हम वड़ा पाव के शूट कर रहे थे, कैटल अपने आप चलनी शुरू, पिटाई होगी तो उससे बेटर मैं खुद ही चल जाती हूँ। अपने आप चल गई पापा, कई बार ऐसे होता है अपने आप अंदर से इसका मन हल्का फुल्का, नाइस थैंक यू। चलो जी वड़ा पाव खाओ, वड़ा पाव।